Good morning, everyone. The live stream has started. Isha, you can start. नमस्कार, आप सभी को शरद कुमार प्रधान जी द्वारा अनुभव 2021 की पाम लीफ एंग्रेव वर्कशॉप के चौथे दिन में स्वागत है। शरद कुमार प्रधान जी ने ताड़ पत्रों में स्नातक प्राप्त कर रखी है तथा उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई सम्मानित उपाधियां अपने नाम की हैं। मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित हैं और स्पीकमैक के द्वारा प्रदान किए गए आश्रम कार्यक्रम का अपने पूरे मन से पालन कर रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी को इस कार्यशाला के दौरान कुछ अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना होगा। सभी से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चैट बॉक्स में लिख दें। किसी भी तरह की अनावश्यक हलचल या गलत व्यवहार आपको इस कार्यक्रम से बाहर कर सकता है। सभी प्रश्नों को केवल अंतिम 10 मिनट के समय में लिया जाएगा। मैं उन दर्शकों का भी स्वागत करती हूं जो दुनिया भर से YouTube लिंक के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं। यह कार्यशाला कल भी 9 बजे से 12 बजे के समय पर आयोजित की जाएगी। अतः आप सभी को निवेदन है कि सुबह 8:55 समय पर कार्यशाला में शामिल होना प्रारंभ करें। इस आयोजित डिजिटल कार्यशाला के चौथे दिन भी में ताड़पत्रों के प्रसिद्ध चित्रकार विद्वान शरद कुमार प्रधान जी का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। अब मैं श्री शरद कुमार प्रधान जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। सर, अब आप अपनी इस कार्यशाला को आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर। जय जगन्नाथ, जय हिंद। अनुभव 2021 मैच द्वारा आयोजित किए हैं। 5 दिन का कार्यशाला में आज पैसारी हमारी जुड़े हुए हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। तो आज हमारी राज्य की पारंपरिक चित्रकला जो काल नया चीज आप लोग को जो प्रशिक्षक होता है उसको सिखाएंगे। आप अपना पेपर और पेन पेंसिल और हर चीज सही करके रखिए। और अभी देखिए, हमने पिछले 3 दिन हमारी चित्रकला प्रारंभिक कार्यक्रम हो रहा है उसको हमने आपको दिखाया। ये पेंटिंग बनाने का टाइम आपको सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। जी सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। जी सर। हेलो। जी सर, आपकी आवाज अभी भी बहुत कम आ रही है। नमस्कार आप सभी को, अभी हम कार्यशाला को थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। सर के पास शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हेलो हाँ जी सर, हेलो। जी सर अभी आ रही है। हमारी आवाज सही रहे क्या? हाँ जी सर, अब आपके पास सही आ रही है। अच्छा जी, तो आप आज चौथा दिन कार्यशाला में पारंपरिक चित्रकला जो हमारी राज्य का होता है, उड़ीसा की तालपत्र खुदाई या पोथी चित्र बाली में, हम आपको कुछ बेसिक नॉलेज देंगे जो पेंटिंग का काम में आता है। पेंटिंग करने का टाइम आपको जो जो चीज चाहिए, जो बेसिक होता है, पहला जो चीज होता है, हमने 2-3 दिन में बिल्कुल पूरा करके बहुत सारे चीज आपको दिखाया, तो आज हम उसका बाद कुछ अलग चीज दिखाएंगे। जैसे हमने आपको स्केच करके अभी दिखाएंगे घोड़े का चित्र और हाथी का चित्र, जिससे ये सभी घोड़े और हाथी चित्र आप लोग देखे, लेकिन हमारी पेंटिंग का एक डिफरेंट क्वालिटी होता है, डिफरेंट स्टाइल होता है, इसी स्टाइल में बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस टाइम में आप देखेंगे ये घोड़े को, आपको पता चलेगा कि हाँ ये उड़ीसा पारंपरिक चित्रकला होता है, इसीलिए हम लोग हमारी स्टाइल आपको सिखाते हैं। आप जितने जुड़े हुए स्टूडेंट लोग, सभी को निवेदन करता हूँ कि सभी लोग तैयार हो जाइए और देखिए मैं अभी घोड़े बना। अब सभी लोग को मेरा आवाज आ रहा है तो जी सर, अब आपके पास एकदम ठीक क्लियर आ रही है। है। अच्छा थैंक यू। ये अभी आपको शायद इतना अच्छा दिखाई नहीं जाता है, तो फिर इसका बाद में इसको ब्लैक कैन में बना के आप लोग को दिखाएंगे, आप देखिए। और आप ये ध्यान रखिए कि मैं एक पेंटिंग को कहाँ से शुरू करता हूँ। मैंने पहले दिन से भी यही बोला था कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेंटिंग कहाँ से शुरू होता है, किसी भी पेंटिंग में। ये जैसे घोड़े होता है,
सभी लोग इसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए अपना अपना पेन और पेंसिल में, उसका बाद फिर इसको ब्लैक पेन में लाइन कीजिए, क्योंकि हमारी जो कल्पतरु खुदाई चित्र होता है वो शायद लाइन जैसे दिखाई जाता है, इसमें तो कोई कलर वगैरह नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में आता है। ताड़ के पत्ते के ऊपर इंटरविंग किया हुआ है, उसका ऊपर ब्लैक डाला, हाँ तो इसमें कोई कलर का जरूरत नहीं आप, लेकिन इसको प्रैक्टिस करेंगे, स्केच को प्रैक्टिस करेंगे, स्केच का स्टाइल जो रहता है पेंटिंग का स्टाइल वही होता है।
ये अभी आप लोग देख सके, लेकिन घोड़ा हो गया। आप लोग तो कहीं भी बहुत सारे घोड़े देखे, लेकिन ये हमारी पारंपरिक घोड़ा होता है जिसमें हमारी पेंटिंग में यूज किया जाता है। इसी घोड़ा को देखने में आपको पता चलेगा कि हाँ ये ताड़ पत्ते जो एनगारिंग वाला काम होता है इसका घोड़े होता है, उड़ीसा की पारंपरिक। इसको आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं उसका बाद आपको एक हाथी का चित्र देख,
ये देखिए, हम सभी जानवर का पीठ में चादर डालते हैं क्योंकि ये हमारी परंपरा होता है। सभी जानवर को अच्छी देखने के लिए सभी का पीठ में एक एक चादर हम लोग डालते हैं। जैसे घोड़े का पीठ में डालते हैं, हाथी का पीठ में भी डालते हैं। और मैंने पहले दिन आपको बताया था कि हमारी ये जो कलाकृति होता है इसमें सबसे ज्यादा अर्नामेंट यूज किया जाता है, जानवर से लेकर पक्षी और भगवान का मूर्ति में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितना होता है हम अर्नामेंट डालते हैं, ज्यादा अर्नामेंट इसमें लगता है। आप अभी देख सके कि ये बन गया हाथी और ये रहा घोड़ा, दोनों मैंने बनाया। आप लोग को मैंने फिगर का कंस्ट्रक्शन जो होता है आपको दिखाया था पहले। आप थोड़ा सा बड़ी पार्ट जो होता है कैसे बनाएंगे इसी बारे में आप आपको बताएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। हम एक पेंटिंग बनाने से पहले तो हम उसका शेर जो मत्था जिसको बोलते हैं मत्था बनाना पड़ता है। मत्था बनाना और इसका फेस बनाना हमारी एक स्टाइल होता है जिसका वन साइड में होता है। हमारी स्टाइल में कोई भगवान का तस्वीर सामने नहीं दिखाई जाते, सभी एक साइड में आता है, इधर या उधर होता है। तो वो साइड वाला फिगर बनाने के लिए उसका फेस बनाने के लिए जो तरीका हम यूज करते हैं हम आपको अभी दिखाएंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, आप एक सर्कल ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसको ऐसे हो गया एक सर्कल। एक सर्कल बिल्कुल राउंड नहीं है, इसमें ये थोड़ा अलग आता है। आप देखिए इसको, जब आप तो इसी साइड में आप तार बदल सकते, तो यहाँ से लेकर वहां से इससे आप लोग नाक शुरू की, ये हो गया। उसके बाद इस कान में एक अर्नामेंट डाल दीजिए, इसका गला आ गया, आप यहां से आंखी शुरू। आंखी जो होता है उसको थोड़ा सा लंबाई होता है इनका, वो राउंड थोड़ा छोटा होता है, ये हमारी परंपरा हिसाब से होता है।
और आप चाहिए स्कूल लेडीज कर सकते तो जेंट्स भी कर सकते। जब लेडीज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ से एक ऑर्नामेंट लगाइए। ये हो गया लेडीज का थे। आप लोग इसी स्टाइल में जेंट्स भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप ये मैंने डायरेक्ट बना दिया, देखिए ये आ गया, ये शायद नाक का नाक तक आ गया। उसके बाद आप लोग इस कर लीजिए उनको थोड़ा, बिल्कुल सेम है, देखने में आपको लगता है जैसे बिल्कुल सेम जैसे होते, लेकिन इसको इसी डिफरेंट में आप लेडीज बना सके, जेंट्स बना सके, कोई भी बना सके। और बहुत सारे चीज होता है बुक में, तो अभी हम तो बना नहीं पाओगे क्योंकि टाइम हिसाब से। आप ये दोनों का ऐसे हो गया, इसको ये वाला चाहिए, गाड़ी निस वाला चाहिए हो जाए, कोई राक्षस फेस बनाना होगा इसको दाढ़ी बना लीजिए आप लोग। ये वाला फ्रेंच कट दाढ़ी हो गया, आप चाहिए इसको थोड़ा सा लंबाई दाढ़ी भी बना सके। बस तो आप देखिए, उसके बाद हम जो फिगर में आता है इनका हाथ का पोज, मैंने तो पहला दिन बताया था बहुत सारे पोज, और आज हम आपको पैदल का जो पोज होता है जैसे पैदल आता है ये देखिए। ये रहा आपका एक पैर, और दूसरा पैर जो आता है वो इसी साइड। दोनों तरफ हो गया, एक्सरसाइज में आएंगे तो आप इधर उधर जो दो स्टेप होता है दोनों का। आप देखिए अभी जब एक फिगर आप बनाएंगे बैठने वाला फिगर, इसका उल्टा जो आता है फिर इसको हम लोग कैसे बना,
तो आप लोग को क्या जरूरत है? और ये हो गया फेस, हो गया पैर, और आपको हम लोग क्या बताएंगे अभी। आप एक काम कीजिए, जो हमने आप दिखाया आप उसको सही ढंग से अपना अपना हिसाब से पेपर में स्केच कीजिए, लाइन कीजिए। बाद में मेरे को दिखाना है, जो आखिरी टाइम 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 10-15 मिनट का। आप लोग सभी लोग को मेरे अनुरोध है कि जो सीखने वाला है सभी लोग आज बिल्कुल दिखाएंगे आपका पेपर में आपने 3 घंटे में क्या क्या कर, ठीक है? आप इसको देख सकते क्या कर। हम अभी ये जो ताड़ के पत्ते को पत्ते वाला पेंटिंग था हमारे पास, अब कुछ हुआ था, आज उनका जो बाकी है उसको हम करेंगे। अब चाहिए इसको आराम से, तुम्हारा डाड़ू कौन है? अभी आपको दिखाई जाता है क्या? मैंने इंटरव्यू किया लेकिन शायद नहीं दिखाया। राधा और कृष्ण जी होता है, कृष्ण जी और राधा जी, ये अभी इंटरव्यू हुआ है। बाद में जिसमें जिस टाइम इसका ऊपर कला डाल देंगे आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा, ठीक है? हम अभी इसका जो काम बाकी है अभी करता हूँ, अब चाहिए तो देख सकते।
आप सभी लोग मेरे जो इंटरव्यू मैंने किया उसको देखेंगे, शायद आपको तो इंटरव्यू दिन दिखाई नहीं जाता है, फिर आपको पता चलता है कि ये हमने किसी ढंग से ये लिखने को पकड़ते हैं, कैसे इंटरव्यू करते हैं वो देखेंगे। बाद में जब पेंटिंग में ब्लॉक डाल देंगे उसका बाद पता चलेगा कि ये चीज हाँ यही बना था। तो अभी आप लोग मेरा बनाने का जो स्टाइल है वो, इसको पकड़ने का जो स्टाइल है इसको थोड़ा सा ध्यान में, मैं अभी पद्म फूल का जो पत्ता होता है पत्ते को बनाते हैं, आप लोग बाद में देखेंगे। और एक फूल भी निकलते हैं, अभी आप लोग देखेंगे हम एक हंस बनाएंगे जो आप लोग नहीं देख पाते हैं, फिर भी इसको आइडिया कीजिए कि हम लोग इनका शेर बनाया, अभी फेस इनका बनाया हंस। आप सभी लोग को ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि पेंटिंग करने का टाइम आप कहाँ से शुरू करेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान में, तो फिर आपको काम करने में अच्छा लगेगा कि काम आपका बिल्कुल सही हो। ये भी आप लोग मान लीजिए पेंटिंग और एंगेजिंग ये दो चीज में डिफरेंट यही है कि आप जब पेंटिंग करेंगे तो पहले आपको एक एक कलर बार बार लगा के पढ़ना पड़ता है, और इसका जो फाइनल चीज होता है वो तो जो लाइनिंग बोलते हैं जिसमें आपको सही दिखाई जाएगा बिल्कुल फिगर का, जैसे कृष्णा हो राम हो कोई भी हो, फिगर बनाने में आप पहले कलर यूज करते हैं, इसका बॉडी कलर यूज करते हैं, इसका कपड़े का कलर यूज करते हैं, इसका गहना का कलर यूज करता है, लास्ट ब्लॉक में इसको लाइन करके आपको पता चलेगा ये चीज यही है कि आप। लेकिन पाम लीफ एंगेजिंग में सर्वत्र खुदाई में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, तो आपको पहले लाइनिंग करना पड़ता है, लाइनिंग एक काम तो है ही, लाइनिंग है ही, इसका तो अलग कुछ नहीं है। तो आप
पेंसिल ड्रॉ का बात जब इसको अब फाइनल करेंगे, काम करेंगे, तो आप इसका जो फाइनल चीज होता है, जैसे मान लो फिगर का गहना इसका फाइनल होता है, तो आपको फिगर का ऑर्नामेंट जो होता है उसको ऑर्नामेंट ही करना पड़ता है, तो पेंटिंग सही रहेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। पेंटिंग और एनजारविंग में इतना ही डिफरेंट आता है, दो अलग अलग डिफरेंट आता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा एनजारविंग करने का टाइप। आप शायद देख सकते हैं, नहीं राधा और कृष्णा जी जो खड़े हुए हैं, इसका एयर में एक स्टैंड होता है, स्टैंड के नीचे थोड़ा सा पानी होता है, पानी का बीच में ये पद्म फूल पत्ता आता है, और हाँस भी होता है। ऐसे करने से पेंटिंग आपको मजा आएगा देखने में, कि एक मस्ती का साथ इनका जो रिक्वायर वाला चीज होता है, जिससे पहनने वाला को ऑर्नामेंट भी कहा जाता है, फिर इनका जो चीज जरूरत है इसके, इसको भी ऑर्नामेंट कहा जाता है, कि ये शायद एक रकम ऑर्नामेंट होता है। आप जैसे पेंटिंग को देखेंगे, पेंटिंग को पूरा करने के लिए अब ये सब चीज करना पड़ता है। हमारी 5 दिन का कार्यशाला में हम इस पेंटिंग आखिरी दिन आपको या काल आपको फाइनल करके दिखाएंगे, और आप देखेंगे ये पेंटिंग फाइनल हुआ है। अब हम ये जो स्टैंड होता है, कृष्णा जी जहाँ से पड़े हुए हैं, स्टैंड को हम भी बनाएंगे, तो इसमें हमको स्केल का यूज करना पड़ता है, इसको लाइन टांगते हैं,
आप लोग इसमें ये देखना होगा कि जो पेंटिंग में लाइट डीप आता है, हम इसको यहीं से ही बनाते हैं। जैसे आपको पता चलेगा कि ये डीप है, ये लाइट है। मैंने आपको पहले से बताया कि हमारे पास एक ही चीज होता है, का नाम लिखन होता है। उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। फिर भी हम इसमें लाइट डीप डिफरेंस सब कुछ दिखा सके। जो पेंसिल का ड्रा था वो थोड़ा सा डीप था, ब्लैक था, इसलिए हमने इरेजर लगा के इसको साफ कर।
आप अभी आराम से देख सके मेरा स्केच जो रखा हुआ है। अब सभी लोग आप अपना पेपर में इस स्केच को प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, अच्छी तरह से बनाइए, थोड़ा ध्यान से।
मेरी आवाज हेलो। जी सर, हम अभी 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, सभी बच्चे लोग को बता दीजिए कि जी सर, बिल्कुल। अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, आप सभी भी रेस्ट कर लीजिए, और अगर किसी का कोई भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है।
अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर किसी को भी अपना कोई अपना आर्ट वर्क शो करना है तो वो भी हमें दिखा सकते हैं इस वर्कशॉप में। हमारे गुरुजी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं तो हम कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं अभी थोड़ा मेरा पास जो मेरा पुरानी काम है आपको दिखाएंगे, सभी बच्चे लोग देखेंगे काम लिख के आप कैसे पेंटिंग बनता है वो ध्यान से देखें। मैंने कल आपको एक कृष्णा की कहानी का ऊपर पेंटिंग दिखाया था, आज एक पेंटिंग दिखाएंगे गणपति भगवान का। आप देख सके, सभी लोग देखते हैं, वो एक मंदिर जैसे बनता है, मंदिर बनता है, मंदिर जैसे। इसमें पूरे हमारी परंपरा में जितने भगवान होते हैं, बहुत सारे भगवान इसमें होते हैं। यहाँ मैं इसको फोल्ड करते हैं, बीच में देखिए गणपति भगवान आते हैं पांच मुख वाला, और इस साइड में नृत्य करने वाला शिव जी आता है और गरुड़ जी आता है। आप देखिए अर्धनारीश्वर हनुमान देख सके, ये बिल्कुल इनकार्विंग है, इसमें कोई कलर नहीं है, सिर्फ ब्लैक दे रहा है। इनको सही बिल्कुल शार्प इनकार्विंग किया जाता है, देखिए इसका इसे डीप किया जाता है, डार्क होता है, इसी लिखन को थोड़ा ज्यादा कार्विंग कर करके ऐसे बनाते हैं हम लोग। आप देखिए जैसे आपको काल भी बताए थे, ये गजा सिंह बिराल होता है, ये मंदिर में आता है, आप सभी लोग देखते हैं मंदिर में, आप नीचे आ जाइए। ये मंदिर का स्टेप होता है और डिफरेंट लेडी का म्यूजिक स्टाफ जो होता है वही बैठे हुए। और ये देखिए भगवती माता, भगवती का तस्वीर आता है, इसी साइड में काली माता, काली माता देखिए, और बीच में दुर्गा माता, महिषासुर को निधन करने का टाइम, और गणेश जी, कार्तिक जी, दोनों भाई जो उसका नीचे आ जाइए। भगवान विष्णु का 10 अवतार हो आप, हम ये 5 दिन का कार्यशाला में तो आपको सभी चीज स्केच करके दिखा नहीं पाऊंगे, तो आप इसी हिसाब से आपको पता चलेगा कि जो जो पेंटिंग हम बनाते हैं आप देख सके, आराम से देखिए। दस्यावतार, अच्छा अवतार, ब्राह अवतार, नरसिंह अवतार, बामन अवतार, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कली, ये रहा 10 अवतार। सभी लोग देख सके? जी सर, सभी लोग देख रहे हैं। हाँ वो तो देखिए, क्योंकि ये जितना चीज हुआ है अभी तो हम 5 दिन का अंदर आपको पूरा करके नहीं देख पाऊंगे, इसीलिए हम आपको हमारे पास जो पेंटिंग है वो दिखाइए। आप उसको देखिए, एक स्टेप बना हुआ है, एक डिफरेंट पेंटिंग होता है। हम आपको काल जो दिखाया था वो
स्टोरी आता है, लाइन बाय लाइन स्टोरी आता है, लेकिन इसमें मंदिर का स्टाइल आता है पूरा मिक्स करके। और आप ध्यान से देखिए कितना डार्क और लाइट होता है, कोई कलर नहीं, एक ही कलर और कोई डिफरेंट ब्रश वगैरह भी नहीं, तो हमको एक ही चीज लेते हैं जिसको लिखनी बोलते हैं। इनका शार्पनेस भी सेम होता है, बिल्कुल इससे थोड़ा सा डार्क करके इनकर्विंग करके ये बनाना पड़ता है। ये डीप होता है, ये लाइट होता है, ये पत्ता होता है, ये भी पत्ता होता है, लेकिन इसको इनकर्विंग करके डार्क किया जाता है। ये देखिए लक्ष्मी माता की तस्वीर आता है, लक्ष्मी माता भी बीच में राहु, तो कृतिमुख होता है मंदिर का ऊपर, कृतिमुख होता है। ये सरस्वती माता का फिगर है, आप देखिए ये एक नया चीज हम आपको दिखाएंगे। अब ध्यान से देखिए ये हरिहर मिलन होता है, हरि मतलब अब विष्णु जी बोलते हैं, हर मतलब शिव जी बोलते, हरिहर मिलन होता है। आप देखिए हरि जो होता है वो हाथी का पीठ में बैठे हुए विष्णु और लक्ष्मी माता, और हरा जो होता है वो वृषभ का पीठ में बैठे हुए शिव जी और पार्वती। लेकिन बीच में देखिए एक का मुख आता है, दोनों जुड़ा हुआ है। आराम से देखिए ये हाथी का मुख इस साइड में आता है, ये और ये वृषभ का मुख इस, ये सबसे डिफरेंट और चीज अलग होता है, कहीं स्टेट में भी ये चीज नहीं होता है, ये हमारी परंपरा होता है हरिहर मिलन इसको बोलते हैं ये पेंटिंग। और आप देखिए इस साइड में शिव जी का साधी आएगा, शिव जी पार्वती जी उनका जो दो लोक होता है क्या, नंदी और भूंगी करके। हाँ आप देखिए ये हमारी ट्रेडिशन में अलग चीज होता है, शिव जी का एक जो असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो असिस्टेंट भूंगी जो होता है उनका तीन पैर होता है। आराम से देखिए सभी चीज सभी फिगर में सभी भगवान में दो पैर होता है, लेकिन ये भूंगी जो होता है उसमें, ये शिव पुराण में आता है कि कोई हम अपना अपना मन में नहीं डालते, ये स्टोरी शिव पुराण में आता है कि ढुंगी का तीन पैर होता है। ये देखिए बीच वाला गणपति, ये जो पकड़ते हैं जोड़ी सांप, दो सांप एक साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए इसका मुख देखिए लांग देखिए, इस साइड में एक मुख देखिए एक लांग, अभी बीच वाला गणपति आप लोग देखिए
ये दो साइड में दो डिफरेंट लेडी आता है, म्यूजिक स्टाफ और गणपति का दूसरा स्टाइल बैठने वाला होता है, एक इधर बैठे हुए, इधर एक बांसुरी बजाने वाला आते हैं। कौन को रहा है अब देखिए ये रहा, और मंदिर का नीचे ये आता है, ये सब स्टेप आता है। इसमें गणपति भगवान का जो लाइफ स्टोरी होता है, ये देखिए जिस टाइम शिव जी ने इनको जीवदान दिया वो उनका तस्वीर आता है, उसमें नंदी भ्रम में जो लाए हत्ती का सिर कटिंग करके ये हो। इस बीच में डिफरेंट लेडी आएंगे और ये शिव और पार्वती सतीदाह होगा और ये शिव जी का रुद्र अवतार होगा। बीच में शिव जी पार्वती माता और उनका पास गणपति भगवान और कार्तिक भगवान, सारे फैमिली उनका जो होता है वो साथ बैठे हुए और डिफरेंट पोजेस में आते हैं गणपति भगवान। इसमें तीन डिफरेंट पोज आता है, तीन डिफरेंट, और ये पूरा होता है पेंटिंग। इसमें नीचे देखिए आप हाथी का डाली होता है, बॉर्डर जो होता है हाथी में बना हुआ है। इसमें आप लोग दिखाई जाता है कि नहीं, ये आता है गंड भैरव पक्षी होता है जिसका दो मुख होता है, एक पक्षी होता है हमारी पुराण में जिसका दो मुख होता है। तो मान लो उड़ीसा की चित्रकला में पूरा पूरे की पूरा कहानी जो शास्त्र का साथ जुड़े हुए, पूरे रामायण महाभारत सभी कला को सभी परंपरा का पुराण को लेकर ये पेंटिंग बना हुआ है। और इसमें जो चीज आप देखेंगे सभी सभी चीज पुराण का साथ जुड़े हुए, इसको हम लोग बनाते हैं हमारी परंपरा हिसाब से। आप देख सके नहीं बड़ा, वो तो बड़ा होता है शायद दिखाई नहीं आ रहा, अभी हम आपको एक छोटा सा पेंटिंग दिखाएंगे, छोटा मतलब इससे छोटा, ये गणपति बारी में आप हम काल को काल आपको दिखाएंगे रामायण बारी में, आज सिर्फ गणपति के बारे में। ये देखिए एक गणपति बना हुआ, आप लोग सब देख सकते, सिर्फ इतना साइज में सिर्फ एक गणपति है,
फिर भी इसमें क्या खासियत है अब मैं आपको दिखाऊंगा। वो देखिए आराम से देखिए, ये गणपति जो बनता है इसका अंदर सिर्फ गणपति ही गणपति, देखिए देखते हैं सभी लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहीं से इतना ही जगह में आपको 12 गणपति का फिगर आता है, इसमें पूरा भरा हुआ है, 100 से ज्यादा फिगर लेके हमें पेंटिंग बनाए गणपति का, जो एनकार्विंग किया उसमें पूरा भरा हुआ है गणपति। देखिए बॉडी में अब इनका अंगुली में भी गणपति बनता है, देखिए ये देखिए आराम, ये अंगुली में एक गणपति, ये अंगुली में एक गणपति, इसमें एक, इसमें एक, थोड़ा जितना ही दिखाई जाता है, ये इनका फेस में देखिए गणपति भगवान, गणपति भगवान का फेस में ये दो गणपति का आते हैं, आंखी का नीचे देखिए दो गणपति आए, और ये जो सूंड शुरू होता है सूंड से पहले सूंड से आखिरी तक ये सब जुड़ा हुआ है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और इनका जो कान होता है हाथी का कान, बीच में भी गणपति, तीन तीन गणपति आते, चार यही होता है खासियत, जो परंपरा को रक्षा करने के लिए, परंपरा को बचाने के लिए, परंपरा जो होता है इसको आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी मकसद है कि हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का जो संस्कृति परंपरा जो है उसको सभी लोग का पास, आपका जैसे अनुष्ठान द्वारा, स्पीक माइक द्वारा, जैसे हम इसीलिए हम बहुत खुश हूँ जैसे स्पीक माइक ने हमको ये सुजग दिए, जैसे ये हमारी कलाकृति को हम सभी का पास पहुंचा पाओ, ठीक है। अभी सभी लोग आप अपना काम कीजिए, हम भी अभी इंटरव्यूइंग करेंगे। आप लोग आराम से ये जो बड़ी पार्ट हाथी और मैंने घोड़े का चार्ज किया इसको कीजिए, और प्रोग्राम एंड होने से पहले 15 मिनट में आप लोग ज्यादा सीखना चाहिए, ज्यादा कुछ जरूरत है तो आप बाद में हमको कांटेक्ट कर सके, ये व्हाट्सएप का बाद में, व्हाट्सएप का अंदर आपको जो चाहिए आप पूछिए, हम आपको अच्छी तरह से बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग देखिए, मैं अभी जो राधा कृष्ण का जो लिप का ऊपर इनकार्विंग किया है इसको अभी हम फिर काम शुरू करेंगे। कारीगरी और कलाकारी वो चीज ऐसा होता है कि इसको कहीं मापने वाला यंत्र में माप नहीं पाओगे इसमें क्या होगा। हमने बहुत सारे देखा कि बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि ये बनाने में कितना टाइम लगता है, ये बिल्कुल नहीं कह सकेंगे हम लोग, क्योंकि कितना टाइम लगेगा, टाइम
एक फिगर बनाने के, ये इसी साइज का पेंटिंग बनाने के चाहिए तो आपको 3 घंटे में बन जाएगी, 3 दिन में भी नहीं बन पाओ। ये कलाकृति होता है, इसमें जब आप तन मन लगा के ध्यान लगा के काम को अच्छा करने के लिए जितना चाहिए, जितना आप सोचेंगे, जितना अच्छा वाला चीज सोचेंगे इसको करेंगे, इसी से अपना अपना हिसाब से बनाएंगे, तो इसको हम आपको टाइम नहीं बता पाऊंगे कि ये भाई 10 बाई 15 साइज का राधा कृष्ण बनाने के लिए कितना टाइम। तो मेरे सभी स्टूडेंट लोग को निवेदन है कि आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए, और आप जो काम कर रहे हैं अभी इसको आराम से कीजिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।
ये तो धम्मा दिख रहा है।
आप सभी लोग देखते हैं शायद, मैंने अभी वो जो सिंहासन का नीचे जो पानी होता है, पानी बनाया, पानी से बाद इसको जो हम ये आता है स्टैंड आता है, हम लोग स्टैंड बनाए मंदिर में, सब देखते हैं पूरे जितना मंदिर में जो चीज बनता है पत्थर में, बिल्कुल उड़ीसा की परंपरा चित्रकला में वही चीज बनता है पूरा। ये इनकार्विंग हुआ है स्टोन का, और ये लिट और कपड़े में जो बनता है वो पेंटिंग होता है, इनकार्विंग होता है, लेकिन हर चीज ऐसी टाइप का होता है मंदिर जैसे ऐसी टाइप का। अब देखिए पूरे दुनिया भर में जितना कलाकृति होता है, जितना पारंपरिक चित्रकला होता है, हर राज्य का जितना ही ट्रेडिशनल चीज होता है, सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल पेंटिंग, ट्रेडिशनल हस्तशिल्प बनाया जाता है उड़ीसा में, नंबर ऑफ 50 रकम हांडी का हस्तशिल्प चीज बनता है उड़ीसा में, सबसे ज्यादा 21 स्टेट में इतने रकम हस्तशिल्प नहीं बनता है जिसमें जितना उड़ीसा में बनता है। उड़ीसा की कलाकारी बिल्कुल अलग जैसे होता है, आप मान लो हमारी हस्तशिल्प में पत्थर खुदाई हो जिसको स्टोन कार्विंग बोलते हैं, वुड कार्विंग हो, पटचित्र हो, पाम लीफ कार्विंग हो, और हमारी उड़ीसा में एक हैंडलूम भी बनता है जो सबसे अच्छा हैंडलूम, संबलपुरी साड़ी, आप मानिया बंध पाटो, सब अलग अलग चीज जिसमें बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं उड़ीसा की हैंडलूम में। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सबसे ज्यादा होता है। आप ये सब भी सुन सकते हैं, अभी ये भी ध्यान रखना होगा कि उड़ीसा में 50 डिफरेंट टाइप का हैंडीक्राफ्ट है, जिसे उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री होता है, अब सभी लोग मालूम होता है उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री बिल्कुल डिफरेंट चीज होता है, फिलिग्री का ऑर्नामेंट हो, फिलिग्री का होम डेकोरेटिव चीज हो, बहुत अच्छा होता है ये चीज। उड़ीसा में सवाई घास में भी कुछ हस्तशिल्प बनता है, गोल्डन ग्रास में भी कुछ हस्तशिल्प बनता है, आप पर में भी नारियल का जो छिलका होता है उसमें जो पारू बनता है उसमें भी हस्तशिल्प बना हुआ है। और उड़ीसा की अप्लीक्यू जो होता है, चांदुआ हम उड़िया में बोलते हैं चांदुआ, इंग्लिश में अप्लीक्यू कहा जाता है, चांदुआ में हर दुनिया में सबसे अच्छा चीज होता है, पूरे मंदिर भगवान के पास ये काम में आता है, घर घर सजाने में भी काम में आता है आपका उड़ीसा की, हमारी उड़ीसा की अप्लीक्यू वर्क।
हमारी उड़ीसा की कले का साथ जितना कला बना हुआ है वो पूरे सब चीज आपको मालूम है कि पूरी जगन्नाथ जी होता है जो विश्व ब्रह्मांड का भगवान होता है जगन्नाथ जी, उनका सेवा से सब हर हैंडीक्राफ्ट जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे जितना हैंडीक्राफ्ट का चीज बनता है उड़ीसा में हर चीज भगवान जगन्नाथ जी का काम में आता है, उसका सेवा में लगता है। और इसी हिसाब से हमारी जैसे उड़ीसा की टेराकोटा होता है, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ उत्तर प्रदेश और अलग स्टेट में भी टेराकोटा बनता है, लेकिन उड़ीसा की जो टेराकोटा बनता है वो जगन्नाथ सेवा में आता है। मंदिर में जो खाना पकाना जाता है वो उसी से बनता है, टेराकोटा पोटली जो होता है उससे बनता है। तो उड़ीसा में हस्तकला और बुनाकार को लेकर लगभग 8 से 10 लाख लोग से जुड़े हुए। हस्तंत्र और हस्तकला में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारी उड़ीसा की पहला नाम था उत्कल, उत्कृष्ट कला की राज होता है उसका नाम उत्कल है, अभी उसका नाम उड़ीसा हो रहा है, इससे पहले उत्कल था। इसी हिसाब से था कि जिसमें उत्कृष्ट कला की राज्य हिसाब से मनाया जाता है उड़ीसा को। उड़ीसा में बहुत सारे चीज कहीं देश विदेश में भी दिखाई जाता है हमारी कलाकृति। हम लोग सब इससे जुड़ी हुए हस्तलिपियों में हस्तंत में। बहुत सारे चीज को भी अभी तक ये जीआई मान्यता मिल चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो बोलता है जीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, वो बहुत सारे चीज को बहुत सारे क्राफ्ट को भी जीआई मान्यता भी मिलता है, इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। इसी कला में जो आप देखेंगे अभी में जो बना रही है तालपत्र खुदाई, इसी कला में हमारी गुरुजी ने 1968 साल को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, स्वर्गीय गुरुजी गोकुल बिहारी पटना आए। उसके बाद बहुत सारे लोग को ये इसी कला में अभी लगभग
60-70 आदमी लोग को इसी कला में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ। हम लोग तो बिल्कुल नया है, लेकिन हम पहले बहुत पुरानी लोग थे, अभी भी जिंदा है बहुत लोग के पड़े हुए हैं, जिस लोग इस कला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कोशिश किए। अभी हम लोग जैसे इसको थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे, उसी हिसाब से बहुत लोग इससे पहले ये कला को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए। देखिए अभी आप थोड़ा सा देख सके कि ये स्टैंड पानी और वो जो हो रहा है वो सब बंद। हम आगे जाएंगे, वो जो फिगर का बीच में जो इनका कपड़ा आता है, इसको सभी कपड़ा में कुछ ना कुछ डिजाइन डालना पड़ता है, क्योंकि हमारी पेंटिंग वही कपड़ा प्लेन नहीं रहता है, सभी में कुछ ना कुछ डिजाइन प्रिंटेड होता है।
हेलो ईशा जी जी, सर, जी सर, हम अभी हाँ अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, तभी जी सर, बच बिल्कुल, हाँ तभी पूछो बोला। जी, अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। इफ एनी पार्टिसिपेंट विश टू शेयर हिज और हर एक्सपीरियंस ऑफ दिस वर्कशॉप टिल नाउ, दे कैन रेज देयर हैंड, वी विल अनम्यूट देम एंड दे कैन शेयर दैट। अगर किसी भी प्रतिभागी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अभी तक की वर्कशॉप के लिए, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है।
ताड़ के पत्तों की कला को भारत में सबसे प्राचीन रूप कलाओं में से एक माना जाता है और इस कला को भारत के लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। इस कला का आरंभ लिखित संचार शुरू होने पर हुआ। सबसे पहले ताड़ के पत्तों का उपयोग संदेश और पांडुलिपियां लिखने के लिए किया जाने लगा। धीरे धीरे पाठ को छवियों से सजाने का चलन शुरू हुआ और यह अपने आप में ही एक कला बन गया। इस जातीय कला को अभी भी वहां के सबसे सम्मानित कलाओं में से एक कला माना जाता है और कलाकारों द्वारा मुख्य रूप से पूरी और कटक में अभ्यास किया जाता है। ताड़ के पत्तों की नकाशी का उपयोग घर सजाने एवं हाथ के पंखे, कठपुतली, लैंप शेड और उपहार बक्से जैसे सामानों को बनाने के लिए भी किया जाता है। पुराने समय में इस कला का उपयोग प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के विषयों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था, जिनमें से अधिकांश चित्रों में हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों को दिखाया जाता था। इस कला का उपयोग प्रयोग महाभारत, रामायण और अन्य महाकाव्यों की कहानियों और घटनाओं की उकेरी करने एवं चित्र और रेखा चित्र की प्रकृति दृश्य प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इस कला को सभी अद्भुत और सुंदर कलाओं में से एक कला माना जाता है और इसे त्योहारों में एक सुंदर भेंट के तौर पर भी दिया जा सकता है। वैसे तो आप सभी ने अभी तक बहुत कुछ इस कला के बारे में जान लिया है और अगर आपको आप में से किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो आ सकता है, हम उसे अनम्यूट कर देंगे और वो अपना एक्सपीरियंस खुद से शेयर कर सकता है। पाम लीफ एंग्रेव वर्कशॉप जो एक स्पीक मैक के द्वारा आयोजित की गई है, यह एक राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक आंदोलन है जिसकी स्थापना 1957 में आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ ने की थी। अब हमारे साथ हमारे गुरुजी फिर से जुड़ चुके हैं और वे इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम आप सभी को एक किसी बात से अवगत कराना चाहेंगे कि कल 1 बजे से 3 बजे के बीच में प्रेजेंटेशन सेशन होगा जिसमें उन सभी प्रतिभागियों को अपना आर्टवर्क शो करना होगा जो हमारे गुरुजी द्वारा चुने गए हैं, जिनमें से हैं रश्मि एहसास, सुषमा यादव, मोनिका बोमन्ना और उंगती भीमा बिंदु। आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रेजेंटेशन सेशन में हम हमारे साथ शामिल हों। गुरुजी अब आप इस कार्यशाला को आगे बढ़ा सकते हैं। जी सभी लोग देखिए, अभी मैं तो इंटरव्यू कर रहा है आपको, हम कुछ स्केच वगैरह दिखाएंगे।
अब लोग शायद बैठे बैठे बोर होते हैं, क्या करते हैं तो मालूम नहीं, दिखाई नहीं देते, तो फिर हम आपको एक बैठने वाला लेडी लोग जो होता है इसका एक स्केच करके दिखाएंगे। आप लोग तो ध्यान से देखिए और अपना अपना पेपर में स्केच कीजिए। स्केच मेरा जो मैं बनाया आप खुद देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने वो आज सुबह देखा था कैसे फेस बनेगा, बनता है। आप लोग देखिए आराम से। सभी लोग देखते हैं ये मेरा जो स्केच मैंने बना रहा है। जी सर, सभी लोग देख रहे हैं। उसको आराम से भी अपना अपना पेपर में बनाइए।
सर आप अपना कैमरा थोड़ा जूम इन कर लीजिए। सर थोड़ा और जूम कर लीजिए कैमरा। जी 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 कर रहा। अब ठीक है सर। मैंने आपको सुबह टाइम दिखाया था गोल्ड कैसे हो। ये देखिए इस टाइम इसका स्केच जरूर देखना होगा। चार्ज ही नहीं जी। सर आपका दूसरा कैमरा ऑफ हो गया है। सर
हेलो सर, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है दूसरे वाला। 9587087032113 SPICMACAY सर, आपका दूसरे कैमरे से लॉग आउट हो गया, आई थिंक। हाँ जी, कर रहा हूँ अभी। जी सर। सर, आप अपना कैमरा थोड़ा ज़ूम कर लीजिए। कैमरा को ज़ूम कर। जी सर, अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो हमने अभी ये जो स्केच बनाया, जो स्टूडेंट लोग है उसके, आप अपना ध्यान से इसको स्केच कीजिए, हम इनकर्विंग करें ताड़ के पत्ते के ऊपर जो इंटरव्यू हम करेंगे, आप लोग इसको देख के ये वाला स्केच कीजिए।
हेलो। हाँ ईशा जी। जी सर। हेलो। हाँ सभी बच्चे को बोलिए, दिखाइए उनका काम क्या कर रहे हो, 4 दिन हो गया। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया जाता है कि उन्होंने अभी तक जो भी काम किया है वो अपना कार्य सर को दिखाएं। हाँ दिखाएंगे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और किसी को कोई भी प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। जी सर, हमारे एक प्रतिभागी पूछना चाहते हैं कि आप इसमें और बॉर्डर जो ताड़ के पत्तों पर हम किस किस तरह के बॉर्डर बना सकते हैं। किस चित्र पे मतलब डिजाइन होता है ना, जो डिजाइन। हाँ तो सर आप और डिजाइन वगैरह दिखा सकते हैं अभी अगर आपके पास हो तो। बहुत सारे इतना काम है, उतना ही डिजाइन होता है। ये देखिए, हेलो। हाँ देखिए ये रहा बड़ा, ताड़ के पत्ते को मैंने उस दिन जो पेंटिंग बनाया था, इनकार्विंग किया था, वो जी भी सर। बड़ा रहा। आप चाहिए मैं कल सुबह का टाइम आपको 5-7 बड़ा स्केच करके दिखा देंगे, और हम जो काम करें, काम खत्म करेंगे, पूरा करेंगे, वो काम में भी एक बड़ा आएगा। अभी उस दिन एक बड़ा आया था, और मैं कल पेपर में ब्लैक पेन ने आपको 2-4 तरफ जो तरफ डिजाइन का बॉर्डर दिखाया। ठीक है, और कुछ इसका सवाल पूछना है पूछिए। और जो स्टूडेंट जी सर। काम किए वो अपना पेंटिंग दिखाइए, दिखाओ तरह। अच्छा नहीं दिखाया जाता है थोड़ा, वो सीनरी बना दिया। रश्मि झा जी, हाँ थोड़ा अच्छा करके दिखाइए। हाँ हाँ सब बिल्कुल अच्छा है, मछली भी थोड़ा सही लग रहा है। हाँ ऊपर वाला पेपर में क्या बनाया आप लोग, दिखाइए जो दिखाई नहीं जाता है सर। नहीं वो डांस, वो म्यूजिकल लड़की होती, लेडी होता है। अच्छा ये कृष्णा जी होती। ठीक है, और जो है, अच्छा जी ठीक। सर ये सब तो बना लिया सर, लेकिन है ना हम इसको प्रेजेंटेशन वे में कैसे बनाएंगे क्योंकि हमारे पास पत्ते ही नहीं है। पता मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आप हमें अब एक मेरा मैट भेज, जी, मेरा नंबर आपका पास है, मोबाइल नंबर। ये हमारी वर्कशॉप खत्म होने का बाद हम बातचीत कर सके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल अच्छा बढ़िया सा बनाया आप लोग जी, घोड़े हाथ बनाए, हाथ हाथी बनाए। ठीक मेरा नंबर है ना आपका पास जी? जी सर। हाँ और किसी को भी अपना काम दिखाना है तो हाँ दिखा सकते हैं। रश्मि जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। रश्मि जी,
आवाज आपका नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए, आपका मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। रश्मि जी आपका मोबाइल को अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो रहा है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। सर ऐसा है कि सर एक तो मंदिर का डिजाइन आप बताइए थोड़ा सा हमें कैसे करना है, और सर एक बॉर्डर डिजाइनिंग करना सिखाइए ताकि हम कर सके। और सर ये जो आप पेंटिंग दिखाते हैं ना, ये थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए जूम कर दीजिए ताकि हम स्क्रीन शॉट लेके इसको प्रॉपर बना सके। सर एक्चुअली ना ये हमारा ना प्रॉपर दिखता नहीं है, तो फिर ना प्रॉपर फोटो सही नहीं बनती है। और सर एक एक हमने अल्टीमेटली क्या करके दिखाना है लास्ट डे सर वो गाइड करिए, क्योंकि हमारे पास पत्ते अवेलेबल नहीं है। पत्ते तो हम आपको कीट पे कार्विंग कलर सर एक्चुअली खत्म हो जाएंगी, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी सर अगर अभी नहीं अवेलेबल हुए, 7-8-10 दिन की छुट्टियां हैं खाली। अच्छा जी, आपका बाद में आपको मिल जाएगा, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, तो ये कार्यशाला खत्म होने का बाद हम आपको, आप हमको कांटेक्ट कीजिए तो हम आपको दे देंगे सब चीज। आप ये अच्छा बात बताइए, मैंने जो आज तक जितना स्केच किए वो सब स्केच हम कल जो शुरू होने का टाइम है हम इसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, आप अपना हिसाब से आपको इसको ये कर सके। हेलो, स्क्रीन शॉट कर सके। आपका म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया। अगर किसी और को भी कोई प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। और कोई दूसरे पूछना है पूछ लीजिए। हेलो जी सर, मोनिका जी, प्रभास, प्रभानी जी, ईशा जी, कोई तो नहीं है शायद, किसका फोटो भी नहीं दिख रहा है। हेलो रुद्र सिद्धांत राहना जी बोलिए, आपका मोबाइल को अनम्यूट कीजिए रुद्र जी। हेलो, इन सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना आर्ट वर्क शो करें। शरण, लीजा, मोनिशा, रोशनी, आप अपना वीडियो को ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए, और ऑडियो को भी अनम्यूट कीजिए। नेहा जी बोलिए, क्या बोलना है दिखाइए, आप क्या 4 दिन में क्या पेंटिंग बनाए आप लोग। हेलो, अरे ये वास्तव बोला, हाँ जी मोनिका जी, वो तो आप लोग दिखाए। आप लोग क्यों नहीं बोलते है कुछ, बोलिए ना। आप अपना मोबाइल को अनम्यूट कीजिए पहले, उसका बाद आपको जो बोलना है बोलिए। इतना 4 दिन हो गया हमने इसने काम किए, आप लोग क्या क्या बनाया आपको दिखाए नहीं। सर हम ना कल प्रेजेंटेशन सेशन में सभी के आर्टवर्क शो करेंगे, वैसे हाँ आप वही तो होना चाहिए, उस सेशन में भी देख सकते हैं सभी के आर्ट वर्क को। हाँ ये मोनिका जी जैसे बोला कि अभी हम आपको कल, हम आज तक जितना स्केच किए उसको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, वो लोग अपना अपना हिसाब से कौन करेंगे स्क्रीन शॉट ले सके।
क्योंकि इनका पता चलेगा कि ये स्केच कैसे होता है। ठीक है जी सर। और किसी को अब हम इस जी सर बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए आप। नहीं सर आप बोलिए पहले। नहीं हम तो देखना चाहिए कि स्टूडेंट लोग जो है क्या क्या बनाए, अभी तक कुछ नहीं दिखाए। सर कल प्रेजेंटेशन सेशन में हम सभी के आर्ट वर्क्स को शो करेंगे और अभी अच्छा। हम कार्यशाला को खत्म करते हैं। अच्छा धन्यवाद जी सर। आगे बढ़ने से पहले हम अपने समर्थकों को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, SRF फाउंडेशन, अशोक लीलैंड, तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी, डॉक्टर विक्रम सेठ एवं कुसुम नगर। हम इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए और कीमती समय देने के लिए विद्वान शरद कुमार प्रधान जी का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आपकी उपस्थिति और कोमल शब्द सभी के लिए प्रोत्साहन का स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी को आगे का शेड्यूल बताना चाहूंगी। 12 से 1:15 होलिस्टिक लंच, 1:15 से 2 बजे तक योग निद्रा, 2 से 5 बजे तक म्यूजिक प्लेयर गुरबानी बाई भाई मनोहर सिंह एंड क्वाली बाई चिस्टी ब्रदर्स, 5 से 6 बजे तक होलिस्टिक डिनर, 6 से 7:30 बजे तक कार्नेटिक वॉयलिन बाय विदुषी ए कन्याकुमारी एंड 7:30 से 9 बजे तक हिंदुस्तानी वोकल बाय पंडित उलास कासलकर। तो अब हम इस कार्यशाला को खत्म करते हैं। आशा है कि आप सभी को ये कार्यशाला अच्छी लगी होगी। हम आप सभी को कल इस कार्यशाला के आखिरी दिन भी इसी उत्साह के साथ फिर से देख